क्या कर रही हो तुम, ऐसे नाच क्यों रही हो? हम क्या करें, शायद कुछ कीड़ा या कुछ। हम अभी आते। प्रकाश, फर्स्ट एड किट लेके आओ। फर्स्ट एड तो बाद में देखा जाए, फांसी का नीचे रखो। अब आइए, आराम से यहाँ रखो। तुम अंदर चलो, अंदर चलो। इसे 5 फीट की दूरी रखेगा पड़ी। हान ओके प्लीज, आप जाइए, हम ठीक है। माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, इनके पैर से खून निकल रहा है। इनके पैर से खून निकला थे, हमरे आई से आइंगर निकला थे। तुम सोच लियो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाइए, हम ठीक है। हाँ हाँ, अब तो जाए के लिए कहा थे, और नेक्स्ट टाइम ऐसा गले पड़ोगी कि बस। हम खूब जानत है तुम छोटे लोगन के ट्रिक, और कहीं हमरा आकाश बिटुआ ट्रिक में फंस गवा तो। देखो ये लड़की तो यहाँ से उठो। अरे उठो। माँ देखिए, आप निकलो यहाँ से। पायल जी आप रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। पायल जी सुनिए, तुम क्यों जा रही हो? मामी जी आप भी ना। तुमका का कोई गवाह है मिस कश्यप? तुम तो पार्टी चेंज आने में एकदम एक्सपर्ट हुई गई हो। तुम चुप रहो। और एक चिट करे से पहले एक बतवा कान खोल कर सुन लियो। तुमरी खून भरी टांग और फटी साड़ी का पैर ये घर में दोबारा ना पड़े तो ही बेटर होई। हेलो हाय बाय बाय आउट। क्या रही है ये लड़की? ये देवी मैया, हमारे कपड़े कहाँ गए? आप इस तरह से मत जाइए। आकाश नहीं अंजलि जी, हम बस निकल ही रहे थे। हमने कहा ना, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। ओम प्रकाश जी, जल्दी से सबके लिए चाय लगाइए। अंजलि बिटिया, जाए तो इका लेट हुई गवा, देखा बस ना ही मिली, और फिर ऑटो के लिए रुपीज कहाँ से लाई? ना प्लीज, आप इस तरीके से बात मत कीजिए पायल जी के साथ। पहले भी आपने जैसे पायल जी के साथ बात की वो बिल्कुल ठीक नहीं था। I'm really really sorry पायल जी। अंजलि जी, अब हमें चलना चाहिए। पायल जी, अभी थोड़ी देर में चले जाइएगा।
थोड़ी देर हमारे साथ रुकिए ना, और एक कप चाय। अंजलि, मामी जी हमने कहा ना, हमने पहले ही तय किया था, जब भी पायल जी आएंगी हम इनके साथ एक कप चाय पियेंगे। नहीं अंजलि जी, अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। पायल, अगर मुझे तुम्हारी और हेल्प की जरूरत पड़ी तो रुक जाओ ना प्लीज। जी बाबूजी। हाँ बिटिया, सब ठीक तो है? बिटिया तेरा फोन नहीं आया तो हम थोड़ा चिंतित हो रहे थे। नहीं बाबूजी, सब ठीक है यहाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, फोन वो अपने पास ही रखना, और कोई भी बात हो तो हमें सूचित करना। पायल जी, हमारे साथ एक कप चाय प्लीज। चले थैंक गॉड, फाइनली। अब क्या हुआ इसे? अरे वहां का खुशी, तुम्हारी आधी नहीं पूरी सैलरी काट दूंगा। खुशी, खुशी चोरी हो गए। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। हाँ, पता नहीं क्यों उस मोटरसाइकिल वाली लड़की ने हमारे कपड़े चुराए। और ये? उसने हमारे कपड़े लिए तो हमें उसके पहनने पड़े। वैसे भी ये वाले ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम मैले तो नहीं है। दिल्ली के चोर कितने अजीब है। अब चले ढाबा। What ढाबा? अंदर स्टिकर चिपका था, मंजीता ढाबा, ट्यूबवेल के पास बिल्कुल सीधा। वहाँ एक पंजाबी थाली पे एक फोन कॉल बिल्कुल फ्री। अच्छा, अब 10 मिनट के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पक्का।